बिना न मानत जलद जड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। मैं मेजर गौरव आर्या 19 बटालियन राष्ट्र राइफल्स के साथ साउथ कश्मीर में हूँ। यह वही यूनिट है जिसने बुरहान वानी को मारा था। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ 19 बटालियन राष्ट्र राइफल्स किस तरीके से अपने ऑपरेशंस करती है। दोस्तों, इस वक्त मैं 19 राष्ट्र राइफल्स में हूं और हमने सोचा कि एक यहां पे एक अहम व्यक्ति, कमान अधिकारी 19 राष्ट्र राइफल्स कर्नल तुषार बाचल से आपको मिलवाते हैं और इनके साथ ले चलते हैं आपको कश्मीर की वादियों की सैर कराने और आपको ये बताने कि किस तरीके से राष्ट्र राइफल्स यहां पे ऑपरेशंस करती है और किस तरीके से 19 राष्ट्र राइफल्स ने यहां पे कमाल कर रखा है। कर्नल तुषार, पेट्रियट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मेजर गौरव। आइए, तो हम लोग चलेंगे अभी आपके साथ गाड़ी में बैठ के, गाड़ी में आपसे कुछ बातचीत भी हो जाएगी। बिल्कुल। और हम ये खूबसूरत वादियां भी देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो थोड़ी सी खूबसूरत है और थोड़ी सी खतरनाक भी है शायद। आइए चलिए। ये जो हम गाड़ी में बैठे हैं, दिस इज, ये पूरी बुलेट प्रूफ है आगे से। बिल्कुल। और आर्मर प्लेटिंग चारों तरफ से, चारों तरफ से, इवन इंक्लूडिंग छत, छत भी इसकी है। यस। अच्छा, ये 19 आरआर के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा और जैसा कि हमने देखा है, काफी सक्सेसफुल पलटन है ये। जहां तक ऑपरेशंस का सवाल है, काफी तगड़ी पलटन मानी जाती है। मैंने सेक्टर में लोगों से बात करी, मैंने और भी लोगों से बात करी, तो ये 19 आरआर का जो रेपुटेशन है इतना तगड़ा, जरा पहले इसके बारे में बताइए, कैसे बना, कितनी मेहनत थी इसके पीछे और जो पहले आपके कमान अधिकारी आए उनके उनके उनका कितना इसमें योगदान था। मेजर गौरव, अगर जो आप यहाँ पे देखो जी, तो पिछले जितने भी कमान अधिकारी रहे हैं जी, उनका इसमें काफी बड़ा योगदान है। 19 आरआर 1994 में रेज हुई है और तब से लेकर के अभी तक 10 कमान अधिकारी हो चुके हैं। मैं 11वां कमान अधिकारी हूं जी, और हर एक कमान अधिकारी ने इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। कुछ ड्रिल्स में आप आजकल यहां पे देखते हो, कुछ डॉग की ड्रिल्स इतनी ज़्यादा सेट हैं। बिल्कुल। बाकी हमारी जो जवान हैं उनकी ड्रिल्स, प्रोफेशनल कंडक्ट जी, और इतनी सारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं जी। तो इसमें लगातार मेहनत होती रही है और लगातार इसके ऊपर हर एक कमान अधिकारी ने कुछ ना कुछ इसमें एडिशन करते रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सबका एक मिला जुला योगदान रहा है, बहुत बड़ा। अच्छा, एक और चीज़, इसके पहले कि मैं आपसे और सवाल पूछूं, एक चीज़ मैंने 19 आरआर में देखी, बर्फ़ गिर रही है, तूफान चल रहा है, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन जो ट्रूप्स का मोराल है, जो इनका मनोबल है, हंसते हुए ये हर समय जवाब देते हैं, रात हो या दिन, ये मनोबल आप कैसे पैदा करते, कैसा ये कैसे होता है? ये देखिए मेजर गौरव, कुछ तो हमें पैदा करने की ज़रूरत पड़ती है जी, और कुछ जो है हमारे जो जवान हैं वो पहले से ही इतने मोटिवेटेड हैं, जो हमारी रेजिमेंट है, सिखलाई रेजिमेंट है, प्लस जो आरटी के अटैच यूनिट्स हैं जी, इनके जवान जो हमारे पास आते हैं, ये पलटने जो हमें फीड करती हैं, ये इतने बढ़िया जवान आते हैं कि इनके साथ हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो हमारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, हमारा पूरा फोकस रहता है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखा जाए। हालांकि वैली में जो एनवायरनमेंट चल रहा है उससे थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़रूर आती है जी, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि पूरा पलटन के अंदर हर एक जवान, हर एक जो हमारा जेसीओ है, हर एक ऑफिसर है, ये मोटिवेटेड रहे हर समय। बिल्कुल। मैं आजकल एक बड़ा फेमस डायलॉग चल रहा है वो पिक्चर के चलते हुए कि हाउस द जोश,
तो 19 RR में ये पूछना नहीं पड़ता हाउस द जोश, वो हमेशा ही हाई रहता है, हाई रहता ही रहता है इनका, चढ़दी कला चलती है, चढ़दी कला, चढ़दी कला। अच्छा, अब ये कश्मीर घाटी के अगर हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, कुछ तारीखों की बात करते हैं, तो कुछ तारीखें हैं जो हम कहते हैं, जैसे कि 1947-48 जब पाकिस्तान का अटैक हुआ था, फिर हम बात करते हैं जब यहाँ पे 1989 में आतंकवाद शुरू हुआ था पहली बार। एक तारीख जो सबके जहन में आती है वो है 8 जुलाई 2016, बुरहान वानी को जिस दिन आपकी यूनिट ने मार गिराया था। ये बुरहान को जब मारा, यहाँ पे ऑपरेशन में बुरहान को मारा गया, तो काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपको लगता है कि कुछ लोकल परिस्थितियाँ बदली? देखिए मेजर गौरव, लोकल परिस्थितियाँ तो बदली इस सवाल को, ये मेरे जहन के काफ़ी करीबी सवाल है जी। मैं इसको दो भागों में आंसर करूँगा। पहली चीज़ तो बुरहान इटसेल्फ जी, उसको जिस तरीके से यूथ आइकन बनाया गया था जी, अगर आप देखो तो इन सब के पीछे एक पाकिस्तान का, उसके एजेंट्स का, बहुत सारी एजेंट्स हैं उनके, उनके काफ़ी एक डिज़ाइन है एक। हाँ, और यहाँ पे हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, और एनालिसिस अगर दो लोगों की करना चाहता हूँ, एक बुरहान वानी और एक हमारे शहीद हवलदार नज़ीर अहमद वानी। बिल्कुल, दोनों वानी, अशोक चक्र, बिल्कुल दोनों वानी। और जैसे कि हम दोनों बात कर रहे थे, आपने बोला कि दो लोग, एक सोल्जर का एक आतंकवादी से कभी मुकाबला, मतलब कभी हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, लेकिन क्योंकि दोनों वानी हैं, दोनों कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। मैंने अपने अपने बोलने में यही बोला, इसीलिए क्लियरली कि एनालिसिस करना चाहता हूं, कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं। एक एनालिसिस है, एनालिसिस करना चाहता हूं। तो अगर आप देखेंगे तो बुरहान यंगस्टर, टैलेंटेड यंगस्टर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि टैलेंटेड नहीं था, टैलेंटेड यंगस्टर, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी थी, लेकिन गुमराह किया गया, गुमराह हो गया, और होने के बाद उसको, उसका इनकाउंटर होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद, एक महीने डेढ़ महीने तक अनरेस्ट रहा पूरी वैली में, काफ़ी अनरेस्ट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोग भूल गए। आज भी मैं कई लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारा तो उसकी वजह से काफ़ी काम खराब हो गया, काफ़ी ट्रेड में नुकसान हो गया। और उसके बाद क्या, उसको एक बार बुरहान वानी को इस्तेमाल किया गया जिस तरीके से पाकिस्तान ने और एजेंट्स ने, कुछ हुरियत ने, कुछ पाकिस्तान ने, कुछ अलग अलग लोगों ने जी। उसके बाद क्या, उसके बाद तो बुरहान वानी का इस्तेमाल करके उसको छोड़ दिया गया। अब उसको भूल भी गए लोग, भूल भी गए। और अगर जो आप देखोगे तो ये सिर्फ एक तरीके से ना उसको जरिया बनाया गया। हाँ, पूरे अनरेस्ट के लिए। दूसरी तरफ शहीद हवलदार नज़ीर अहमद वानी, पहले उन्होंने देश के खिलाफ हथियार उठाया था। हाँ, बाद में उनको समझ में आया, उन्होंने हथियार ड्रॉप किया, और कश्मीर की हिफाजत के लिए, कश्मीर को प्रोग्रेस के लिए उन्होंने मिलिटेंट्स, टेररिज्म के खिलाफ हथियार उठाया, और आज उनका नाम जो है देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे है। बिल्कुल, दो सेना मेडल, एक अशोक चक्र, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, अभी उनको सम्मानित किया गया और हर एक देश के बच्चों बच्चों की जुबान पे उसका नाम है जी। और अगर आप देखो तो उसके घर वालों के साथ हमारी फौज की जो हमदर्दी है जी, वो आज भी है, कल भी रहेगी, और आज से आने वाले 20 साल के बाद भी रहेगी। तो उसके घर वालों ने एक बच्चा खोया है जी, लेकिन 12 लाख बच्चे उनको मिल गए हैं। बिल्कुल, एक बेटा खो के 12 लाख बेटे मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी भारतीय सेना, पूरी भारतीय सेना आज उनके घर वालों के साथ खड़ी है। पर वहां देखिए बुरहान वानी को, और बुरहान वानी को जिसका इस्तेमाल करा, जो मारा गया, आप ही की यूनिट ने मारा, उसको सब भूल गए, सब भूल चुके हैं, और भूलेंगे। इसी को बोलते हैं हमदर्दी। तो इस तरफ आप देखोगे हमदर्दी है, प्यार है, और दूसरी तरफ मतलब है, सिर्फ बदले की भावना पूरा करने के लिए बुरहान को एक जरिया बनाया गया है। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोट करी, एक जमाने में साउथ कश्मीर में बड़ा पाकिस्तानी फ्लैग्स, खासतौर से 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, मैंने एक झंडा नहीं देखा। लोग आराम से दुकानें खोल रखी हैं लोगों ने, और मैं बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं कश्मीर आता रहता हूँ, इस एरिया में छोटे छोटे बच्चे वो देख के आर्मी की गाड़ियों को वेव कर रहे हैं। एक छोटी सी, हाँ, एक छोटी सी बच्ची थी 5-7 साल की, वो सैल्यूट कर रही थी, और मैं फ़ोटो लेना चाहता था, लेकिन गाड़ी जल्दी से आगे निकल गई, मैं फ़ोटो नहीं ले पाया, लेकिन
हाँ इतना तो है कि 19 आरआर के योगदान से और पलटनों के योगदान से माहौल बदल तो रहा है कश्मीर का, काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है मेजर गौरव। अगर जो आप देखो आजकल जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं ये सिर्फ लोकलाइज रह जाते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी हाल ही में एक और काफ़ी बड़ा कमांडर जीनत का भी इनकाउंटर हुआ था जी। हमारे इलाके में कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं, आजकल हुर्रियत की जो कॉल होती है जी उसके ऊपर कोई बंद नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा माहौल बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि जो कश्मीर के मासूम लोग हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से आने वाले समय में और जल्दी समझ में आएगा और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही कश्मीर वैली नॉर्मलसी की तरफ चलेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोकल खासतौर से अनंतनाग में जहाँ पे हम इस वक्त हैं, आप कह रहे हैं कि एक जो आम कश्मीरी है उसका माइंडसेट थोड़ा सा बदला है। काफ़ी बदला है और आने वाले समय में मेरे को लगता है कि ये बहुत तेज़ी से और बदलेगा जी। मिलिटेंसी को जो बुरहान या 2016 के अनरेस्ट के बाद जो माहौल हुआ था जी उसमें और आज के माहौल में बहुत ज़्यादा अंतर आया है। लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है इसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्रोटेस्ट हैं ये जो सेपरेटिस्ट बुलाते हैं हुर्रियत बुलाते हैं ये डाउनटाउन के एरिया में थोड़ी सी महदूद रह जाती है, इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू वो डाउनटाउन में थोड़ा सा पत्थरबाजी हो गई ये सब, यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ हुर्रियत के प्रोटेस्ट का, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट जी जो गाड़ियाँ हैं वो नॉर्मल तौर से चलती हैं, बैंक्स नॉर्मल तौर से खुलते हैं जी, स्कूल्स नॉर्मल तौर से खुलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो कोई ऐसा खास यहाँ पे फ़र्क देखने में मिलता नहीं है जी। कर्नल तुषार, परसों रात की बात है, मैं 2 बजे उठा रात को तो मैंने देखा तो सामने जो संतरी था थोड़ी दूर, तो मैंने उसको बोला कि क्या चल रहा है यहाँ पे, फायरिंग क्या हो रही है, तो कह रहे साहब ये 19 आरआर ट्रेनिंग कर रही है। ये रात के 1 बजे 2 बजे 24 घंटे ट्रेनिंग रुकती है 19 आरआर में कि चलती रहती है? देखिए मेजर गौरव, सोल्जर जो है वो ट्रेनिंग पे हमेशा होना चाहिए, मेरा ये मानना है जी। जितना ज़्यादा हम शांति काल में ट्रेनिंग करेंगे उतना कम हम युद्ध के दौरान या एनकाउंटर के दौरान या ऑपरेशन के दौरान अपना खून बहाएंगे। बिल्कुल, तो ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर जो आप डॉक्टर को आज बोल दो कि जी 6 महीने के लिए आउट कर दो, या किसी क्रिकेटर को 6 महीने के लिए आउट कर दो और फिर बोलो कि जाओ मैच खेलो, हाँ तो वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर जो फौजी को आपने ट्रेनिंग से दूर कर दिया जी तो वो अपना ऑप्टिमम जो है ऑपरेशन के दौरान नहीं परफॉर्म कर पाएगा। इसलिए ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसपे हमारा बहुत ज़्यादा जोर रहता है जी और ये हमेशा चलती रहती है। और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, मैंने देखा ड्रिल सेट हैं और ड्रिल्स इतनी सेट हैं कि जैसे नॉर्मली देखा गया है, नॉर्मल जैसे हम लोग इन्फेंट्री बटालियन गए हैं तो वहाँ पे प्रॉपर आदेश पास करे जाते हैं, ये होगा पूरी ब्रीफिंग। यहाँ पे ब्रीफिंग तो होती है पर वो ऑपरेशनल ब्रीफिंग है, डे टू डे टास्क के लिए सबकी ड्रिल्स ऐसी सेट हैं, उनको पता है किस वक्त क्या रखना है, सबका वेपन है, इक्विपमेंट है, एम्यूनेशन है, रेडियो सेट है, कौन सी गाड़ी जाएगी, क्या निकल रही है, इट्स ऑल सेट। मतलब इसमें कोई इतना रिविजन की ज़रूरत नहीं होती। क्या ये इसलिए भी है क्योंकि आप ऑपरेशनल एरिया में हैं और डेली का आपका काम ही है? मेजर फैक्टर ही आपने जो है अपने क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया जी, क्योंकि हम लगातार ही ऑपरेशन में हैं, 24 में से 15 घंटे 16 घंटे ऑपरेशन रोज का लगातार चलता रहता है जी, तो ये ड्रिल्स सेट होनी ही है और हर एक जूनियर लीडर इसमें काफ़ी इनिशिएटिव लेता है जी। हर एक टुकड़ी का कमांडर जो होता है उसको ये लगता है कि यार मेरी टुकड़ी जो है ये बेस्ट होनी चाहिए, तो वो अपने आप ही इसमें काफी इनिशिएटिव लेते हैं और सेंस ऑफ कंपटीशन होता है फौजी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, चाहे फुटबॉल का मैच हो, वॉलीबॉल का मैच हो, बिल्कुल वो फौजी ऐसे खेलते हैं जैसे वर्ल्ड कप होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो ये हम अभी हम MVCP को अप्रोच कर रहे हैं, ये अच्छा इलाके के डोमिनेशन के लिए यहाँ पे लगाई गई है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक को रोक के चेकिंग चल रही है जी, ये ड्रिल्स कुछ एक हमें अगर जो स्पेक्युलेटिव इनपुट मिलती है किसी टेररिस्ट के मूवमेंट की, अच्छा जो कि बहुत स्पेसिफिक नहीं है लेकिन ये है कि हाँ इस इलाके में कोई सस्पिशियस मूवमेंट है जी, तो हम
इस तरीके की कार्रवाई अडॉप्ट करते हैं, इसके अलावा भी कई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं जी, बट उस मूवमेंट को चेक करने के लिए। अच्छा, हम MVCP लगाते हैं या कोई स्पेकुलेटिव ऑपरेशंस करते हैं? बिल्कुल, तो चलें देखें फिर। बिल्कुल, राहुल ने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन में सर, इसने एक कॉर्डन लगाया था। अच्छा? और जिसमें एक फॉरेन टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद का मार गिराया गया था। मेजर गौरव, ही इज मेजर राहुल जैन सर। हाय जैन, जैन हाउ आर यू? रोल आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर। गुड गुड, एंड योर सीओ टेल्स मी दैट यू हैव बीन अवार्डेड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स कमेंडेशन। सर थैंक यू सर, मुबारक हो यार। सर थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब ये क्या हुआ था बताइए ना। ये राहुल ने एक बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में सर, इसने एक कॉर्डन लगाया था। अच्छा? और जिसमें एक फॉरेन टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद का मार गिराया गया था। अच्छा? और ये टेरेन इतनी डिफ़िकल्ट थी कि एक तो उसको पहुंचना बड़ा मुश्किल था पहाड़ी के ऊपर, उसका कोई एक्सेस रूट नहीं था, और दूसरी चीज़ जो घर था उसके 4-5 मीटर के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी 8 से 10 फीट ऊंची मक्की की खेती थी, जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशन जो था वो बहुत ही लिमिटेड था। तो जो कॉर्डन था वो आप समझ सकते हो 4-5 मीटर की दूरी पे था सिर्फ, और ये फायर फाइट इतनी पास। अच्छा अच्छा, ये मैंने ऑपरेशन के बारे में कल मैं मिला था कमांडर से, कमांडर वाज मेंशनिंग, वो बता रहे थे इस ऑपरेशन के बारे में, तो लेट्स टॉक टू यू, आपसे बात करते हैं ना सर। सर तो मेजर राहुल आप बताइए, ये ऑपरेशन था क्या, कैसे हुआ ये ऑपरेशन? सर एक रात हमें खबर है कि जैश के कुछ बंदे गडोल नाम के गांव में हैं, एंड घर की एग्जैक्टली लोकेशन उस टाइम तक पता नहीं थी हमें। अच्छा, तो हमने मोटा मोटा पता था कि एक जगह है। हाँ हाँ, तो हमने अपनी प्लानिंग शुरू करी सर, एंड रात को काफ़ी लेट हमने लॉन्च किया था। तो जैसे एक बार उस जगह पे पहुँचे तो टेरेन इतना डिफ़िकल्ट था सर कि हमने गांव को भी अवॉइड करना है ताकि गांव वालों को ये भी खबर ना लगे कि फ़ौज आ गई है। बिल्कुल, और अंदर बैठे टेररिस्ट को भी अंदाज़ा ना हो कि फ़ौज ने आके कॉर्डन लगाया या फिर फ़ौज अप्रोच कर रही है उस गांव को जी, ताकि वो भाग ना जाए। तो हमने एक बहुत गाँव को अवॉइड करते हुए हमने एक रास्ता लिया, और नाले से होते हुए डिफिकल्ट रास्ता। अच्छा, नाले से और खेतों से होते हुए जा रहे थे जी। ये महीना था सर अगस्त का। अच्छा, तो इस टाइम पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मक्की कटने से जस्ट पहले मक्की की हाइट कम से कम 7 फीट थी। अच्छा, तो हमें खेतों के बीच बीच से जाना पड़ रहा था और विजिबिलिटी कुछ भी नहीं थी, दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ सर, बिल्कुल। एक बार जब हम घर के पास पहुँच गए हैं तो घर काफी ऐसे कंजेस्टेड गाँव के बीच में था, और चूंकि हमें कोलैटरल डैमेज मिनिमाइज करना था तो हमने सिर्फ घर पे फोकस किया। आप ये नहीं चाहते थे कि किसी मासूम को चोट लगे? हाँ सर। या किसी बेगुनाह के ऊपर कोई आपत्ति है? एग्जैक्टली सर, आपको वो एक सर्जिकल ऑपरेशन करना था। राइट सर, राइट। बिल्कुल। तो चूंकि 2-3 चीजें थी कि दूसरों को भी कोई हानि ना पहुंचे किसी और सिविलियन को, और मक्की के खेत होने की वजह से हमें घर के काफी पास लगना पड़ा जी। तो जैसा हमें सिखाया जाता था वैसा बिल्कुल नहीं किया इस बार, और घर से हार्डली हम 5-6 मीटर की दूरी पे बैठ गए। अच्छा, उसके बाद सर जब एक बार हम बैठ गए तो हमारा नेक्स्ट कंसर्न था जो घर के अंदर जितने भी सिविलियंस थे, जो मासूम बंदे थे, उनको बाहर निकालना, क्योंकि हमारे पास खबर थी कि घर के अंदर औरतें बच्चे और बूढ़े सब है जी। तो पहला प्रायोरिटी हमारा था उनको बाहर निकालना, एंड दी सेकेंड प्रायोरिटी पे हमारा टेररिस्ट मारना चला गया जी। तो हमने पहले उनको बाहर निकाला है, उसके बाद जब उनको सेफली दूसरे घर में हमने सेफली बैठा दिया, उसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ विद द ऑपरेशन, एंड उसके बाद जैसे ही इनका जो जैश ए मोहम्मद का जो कमांडर था सर, ही वाज अ पाकिस्तानी, जैसे ही केम आउट ही वाज शॉट डेड देन एंड देयर ओनली। अच्छा, वो घर से बाहर निकला? हाँ सर, वो घर से बाहर निकला, एंड ही वाज फायरिंग, बिल्कुल वो अंधाधुन फायर करते हुए बाहर निकले, जैसे कि ये लोग करते हैं घर से बाहर निकलते हैं, पूरा स्प्रे करते हुए निकलते हैं। हाँ सर, तो जैसे ही ऐसा हुआ, जो भी हमारे बड़ी पेयर जो कांटेक्ट में, और जो सारी कॉर्डन पार्टीज अलर्ट हो गई उस टाइम पे,
लाइट्स वाइट्स हमने पहले ही ऑन कर दी थी, तो जैसे ही हमें बंदा दिखा है विद इन मैटर ऑफ मिनट सर उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया बहुत मिनिमम फायर में। उसको गोली कहाँ पे लगी जो पाकिस्तानी था टेररिस्ट? सर ही वाज हिट ऑल थ्रू हिज बॉडी सर, सर पे लगी है एंड अपर बॉडी में लगी है मैक्सिमम, यहाँ पे पूरा बस्ट एक टाइप। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, वो वहीं पे खत्म? हाँ सर। अच्छा, एंड उसके बाद सर चूंकि अब वो बंदे को बाहर मार दिया था तो ना तो कोई घर पे घर को हमने नुकसान पहुंचाया ना ही, और बंदा बाहर मरा था तो इट हैड दी चांसेस कि आसपास के घरों में जो सिविलियंस बैठे होते हैं, क्योंकि एक बार जब राउंड फायर होता है तो वो नहीं देखता कि वो कहाँ जा रहा है सर, वो अपनी पूरी रेंज तय करता है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसर्न था उस चीज़ को इंश्योर करने का सर कि आसपास के जो घर हैं उनको कोई नुकसान ना हो। अच्छा, ये आपकी सिखलाई में भी है, राष्ट्रीय राइफल्स की सिखलाई में भी है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि मासूम को छेड़ना नहीं सर, और जो बेगुनाह को छोड़ना नहीं। हाँ सर। तो जो बेगुनाह था उसको छोड़ा नहीं, मासूम को खरोच तक नहीं आई सर, और आरआर अपना ऑपरेशन आपकी टीम जिसको आप लीड कर रहे थे सर, मेजर राहुल सिंह, आप अपनी टीम को लेकर फिर वहाँ से निकल लिया। हाँ सर। कोई कुछ और बस ये? नहीं सर, कुछ नहीं, बाकी गांव में किसी को कुछ नहीं हुआ, जो घर वाले थे उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो क्लासिकल ऑपरेशन, बिल्कुल, इनपुट मिली, कॉर्डन लगाया, उस बंदे को पता लगा बाहर निकला, कॉर्डन हाँ, और बाहर निकला 5 meters, hardly any distance, इस रोड की विड्थ ज़्यादा है। 5 meters तो कुछ भी डिस्टेंस नहीं होता। हाँ सर, it is nothing. ये बिल्कुल ये बगल में 15 feet पे। हाँ सर। 15 feet पे गोली मारी। सर, 5 meters is such a distance जहाँ पे आप के पास reaction fraction of seconds हो जाएगा। बिल्कुल। कि आप अगर बिल्कुल रेडी हो तो आप फायर करोगे, नहीं तो वो तो पक्का फायर करेगा ही। अच्छा, तो उसके साथ फिर वापस आए, CO के साथ सबके साथ सेलिब्रेशन हुआ? हाँ सर, हुआ सर। वो तो होगा ही पक्का सर, सर। You got an FT ना? Yes sir। तो सर, सेलिब्रेशन इस बात का हुआ कि हमारे सारे बंदे ठीक ठाक वापस आ गए। टेररिस्ट को मारना इज अ डिफरेंट, वो अलग चीज है। यस, बट जो हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल के बाद सेलिब्रेशन होता है वो इस चीज के लिए होता है कि जो हम ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो भगवान के मंदिर में मत्था टेक के निकलते हैं कि भगवान वापस सारे इसी हालत में आने चाहिए, सही सलामत। और जो सही सलामत जब आते हैं तो उस चीज का सेलिब्रेशन होता है, उस चीज की खुशी होती है। तो सही सलामत लौटे, मिनटों में ऑपरेशन खत्म हुआ, फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करा गया और आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन सर मिला। पेट्रियट की टीम की तरफ से, रिपब्लिक टीवी की तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, हम मिले मेजर राहुल सिंह से जिन्होंने बहुत अच्छा एक शानदार ऑपरेशन करा, और जैसे CO साहब का कहना है, कमान अधिकारी हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं खुशी सिर्फ इसकी नहीं है कि टेररिस्ट को मारा, वो तो खुशी की बात है, लेकिन उससे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जितने बंदे गए थे ऑपरेशन में सही सलामत बिना खरोच के वापस आ गए। अब हम जाएंगे कर्नल तुषार के साथ थोड़ा सा आगे और आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाएंगे जो आप जिसके बारे में आपने खबर में सुना है और आप 2 साल से खबरों में सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे ये हुआ था, ये हुआ था, वो एग्जैक्ट स्पॉट में हमको ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे उस तारीख को हुआ क्या था। आइए मेरे साथ कर्नल तुषार, वील फॉलो यू। इतनी सिक्योरिटी के साथ क्यों चल रहे हैं? अगर सब नॉर्मल है तो इसकी क्या ज़रूरत है? नॉर्मल इसलिए है क्योंकि इसको नॉर्मल रखा गया है, हमने इसके ऊपर मेहनत की हुई है जी। जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं हाँ, वो हमेशा इस फिराक में है कि कब इस नॉर्मल को एबनॉर्मल बना दिया जाए। कर्नल तुषार, हम मिले मेजर रोहित सिंह से, उस ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपने कुछ समय पहले ये बोला था कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, और मैंने भी देखा नॉर्मल है, स्कूल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इतनी सिक्योरिटी के साथ क्यों चल रहे हैं? अगर अनंतनाग नॉर्मल है, कश्मीर नॉर्मल है, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, आपने हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, आगे पीछे ये आपके RR के कुछ घातक वाले, आपके QRT वाले हैं, अगर सब नॉर्मल है तो इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए मेजर गौरव, नॉर्मल इसलिए है क्योंकि इसको नॉर्मल रखा गया है, हमने इसके ऊपर मेहनत की हुई है जी। जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं हाँ,
वो हमेशा इस फिराक में है कि कब इस नॉर्मल को एबनॉर्मल बना दिया जाए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिस दिन हम इसको थोड़ी सी ढील दे देंगे वो फिर अपना सर उठाएंगे। सर उठा लेगा हफ्ते भर के अंदर, 10 दिन के अंदर जी वो नॉर्मलसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पूरे प्रिकॉशंस लिए जाएं, ड्रिल में किसी तरीके की या ट्रेनिंग में किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए, और जो दबाव है वो हमेशा बना के रखें। चाहे सब कुछ ठीक लगे, सब कुछ खूबसूरत लगे, लेकिन दबाव कभी कम ना हो, दबाव बना रहे लगातार दबाव बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी किसी भी तरीके से हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम लैक्स हो जाएं किसी भी ड्रिल पे, बिल्कुल, या कमज़ोर पड़ जाएं कहीं। नहीं, सही बात है एकदम। आइए फिर करण तुषार चलते हैं। आप जो मुझे जगह दिखाना चाह रहे थे, हमारे दर्शक अभी सोच रहे होंगे कौन सी जगह ले जा रहे हैं, आइए हम उनको जगह दिखाते हैं। दोस्तों, हम लोग इस समय ये सड़क पे खड़े हैं, मेरे साथ कमान अधिकारी 19 राष्ट्र राइफल्स कर्नल तुषार हैं मेरे साथ, और हम जो जगह आपको ले जाना चाह रहे थे दिखाने के लिए वो ये घर है। सामने ईंट का घर आप देख रहे हैं बन रहा है, जो बना हुआ है हल्का हल्का, अभी भी इस पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे 8 जुलाई 2016 को 19 आरआर ने बुरहान वानी को मारा था, इसी घर के अंदर मारा था बुरहान वानी को। यही वो घर है, नेशनल मीडिया में काफ़ी इसके बारे में आया, टेलीविज़न स्टूडियोज़ पर काफ़ी बहस चली और काफ़ी कुछ कहा गया, पत्थरबाजी हुई कश्मीर में, बहुत गलत हालात बन गए थे काफ़ी टाइम के लिए। लेकिन ये जब शुरुआत हुई थी, जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कश्मीर का, जहाँ से वो रास्ता बदल दिया था कश्मीर ने, वो इस घर से शुरू हुआ था। ये घर है जहाँ पे बुरहान वानी को मारा गया था। आइए हम आपको और एरियाज दिखाते हैं। वी आर विद कर्नल तुषार, CO19RR। कर्नल तुषार, अभी हमने देखा बुरहान का घर, जो जहाँ पे बुरहान वानी का आप ही की यूनिट ने उसका एलिमिनेशन करा था, यहाँ पे उसी को मारा था बुरहान को। लेकिन ये घर तो नया बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पुराने घर का क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उन्होंने काफ़ी अफवाह फैलाई कि जो घर वाले थे उन्होंने खबर दी फौज को या पुलिस को, और उसकी वजह से बुरहान मारा गया, और उसकी वजह से घर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया, घर को जला दिया गया, नुकसान काफ़ी पहुंचाया गया। बुरहान के लोकल सपोर्टर्स थे, उन्होंने घर पे आग लगाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यही मैं आप अगर जो देखो तो कश्मीर का जो यूथ है काफ़ी मासूम है, इसको जो है बड़ी जल्दी से बहक जाता है, और ये कश्मीर की हिस्ट्री में रही है कि यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, तो और इमोशनल भी हैं। इमोशनल भी हैं बहुत ज़्यादा। तो पहले उनको खबर गलत मिल गई कि घर वालों ने दे दी, और घर वालों ने खबर दी है बुरहान की, और उसकी वजह से उन्होंने घर को जला दिया, जिसकी वजह से अभी ये घर वालों को काफ़ी पूरा घर दोबारा से, जैसे आपने देखा कि बनाया ही जा रहा है अभी जी। करण तुषार, ये तो बात हुई बुरहान की, पर पिछले साल तक भी काफ़ी सक्सेस मिला है टेररिस्ट के खिलाफ, टेररिस्ट काफ़ी मार गिराए हैं। ये तो एक कहानी हमने सुनी थी मेजर राहुल की, बट कैसा रहा पिछला एक साल 19RR के लिए? 19RR के लिए पिछला साल एक्चुअल में देखिए काफ़ी टेररिस्ट मारे हैं 19RR ने भी, और बाकी भारतीय सेना ने, बाकी RR ने भी जी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि टेररिस्ट, मुद्दा है कि हमने यहाँ से टेररिज्म ख़त्म करना है। टेररिस्ट तो एकमात्र ज़रिया है, लेकिन ओवरऑल टेररिज्म जो है उसके लिए जो यहाँ के लोग हैं उनके जहन में जो जहर घोला गया है जी, उसको ख़त्म करना मेन चीज़ है। और वो ख़त्म तब होगा जब उनको रियलाइज़ होगा कि उनको पाकिस्तान या उसके जो एजेंट्स हैं, हुरियत हो गया, ये उनको एक जरिया मात्र मान रहे हैं अपना बदला निकालने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आप देखो सर, पिछले 30 साल हो गए तकरीबन कश्मीर में मिलिटेंसी जी को पनपते हुए। बिल्कुल। और 30 साल से पाकिस्तान ये कह रहा है कि कश्मीर हमारे दिल का टुकड़ा है या जो भी है, शहरत कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जो ऐसा है तो क्या पिछले 30 साल में कोई भी पाकिस्तानी ऑफिसर है या SI का ऑफिसर है जिसका बेटा कभी भी कश्मीर की धरती पे आया हो लड़ने के लिए एक भी ऐसा नाम? तो इसका मतलब ये है कि ये कोई हमदर्दी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। हाँ। ये सिर्फ ना कोई, अपना कोई ओरियंट का बच्चा है लड़ने के लिए, ना कोई ओरियंट का बच्चा है लड़ने के लिए। बिल्कुल, सब इनके, मैंने कर्नल तुषार, इन सब के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल, सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं इनके। बिल्कुल। और ये जो जिहाद जो है वो गरीब के बच्चे के लिए, गरीब के बच्चे के लिए, यहाँ के लोगों को गुमराह करते रहते हैं। बिल्कुल। ताकि जहाँ पे खतरा है वहाँ पे इनके कोई भी प्यार, मतलब बच्चा
या कोई भाई बंधु कोई नहीं आता है लड़ने के लिए। बिल्कुल, ये सिर्फ कश्मीरी लोकल नॉर्मल यूथ है जिसके जहन में ये जहर घोला जा रहा है, और जिस दिन ये कश्मीरी यूथ को समझ में आ गया जी, उस दिन टेररिज्म खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आतंकवाद का निजात हो जाएगा। कोई हम जैसे मेजर राहुल से मिले, कोई ऐसा और ऑपरेशन जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, जो आपके दिल के बड़ा करीब हो, जो आप कहते हैं कि बड़ा एक अच्छा ऑपरेशन गया? देखिए, वैसे ऑपरेशन तो सारे ही अच्छे गए हैं जी, लेकिन अगर जो आप मेरे से पूछोगे जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो एक ऑपरेशन हकूरा में हुआ था जहाँ पे हमने ISJK के 3 आतंकवादी मार गिराए थे। इस्लामिक स्टेट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऑपरेशन प्रिसाइसली 1 से 1.5 मिनट तक का था। 1 से 1.5 मिनट का ऑपरेशन? हाँ, पूरा? बिल्कुल। और सिर्फ 21 गोलियां फायर हुई थी पूरे ऑपरेशन में। जो पत्थरबाजी होती है उसको, हालांकि हमारे साथ पुलिस भी होती है और CRPF भी होती है, जो अपना रोल बखूबी निभाते हैं इसको कंट्रोल करने में जी। लेकिन फिर भी अगर जो कभी ऐसे कोई आइसोलेटेड टुकड़ी फंसती है, तो हमारा जहन में एक ही चीज़ होती है कि ये जो आसपास के लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं, ये हमारे खुद के देशवासी हैं जी। तो इस एक चीज़ से हम जो है बहुत ही रिस्ट्रेंड एक्शन हमारा होता है, ये हमारे खुद के देशवासी हैं, हम इनके ऊपर लिथल फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। तुषार, अभी हमने बात करी काफ़ी टॉपिक्स के बारे में आपसे, एक मैं बात पूछना चाहता हूँ जो कि हर एक हिंदुस्तानी के जहन में है, भारतवासी सोचते हैं इसके बारे में, TV पर भी देखते हैं, जो पत्थरबाजी होती है कश्मीर में, ये जो पत्थरबाजी है, ये पहली बात तो क्यों होती है, इसको कौन सपोर्ट करता है, और राष्ट्रीय राइफल्स किस तरीके से इस पत्थरबाजी के साथ डील करती है? देखिए, आपके सवाल का मैं 2 पार्ट्स में आंसर दूंगा जी। पहली बात, ये क्यों होती है और कौन करता है, जैसा कि मैंने बताया कि इनिमिकल एलिमेंट्स हो गए जो लोगों को गुमराह करते हैं, यही एलिमेंट्स हैं जो इस पत्थरबाजी को बढ़ावा देते हैं, ताकि प्रोजेक्ट हो सके कि कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड स्टेट में है जी। दूसरी बात, राष्ट्रीय राइफल्स इसको कैसे टैकल करती है? देखिए, राष्ट्रीय राइफल्स के ऑपरेशन जो होते हैं वो बहुत ही सर्जिकल प्रिसाइज ऑपरेशंस होते हैं। जब हमें खबर मिलती है, हम उस खबर के ऊपर ही ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन करने में, जैसा कि आपने इंटरेक्ट किया कई सारे लोगों से जी, कभी भी मुद्दा ये नहीं होता कि किसी भी सिविलियन को चोट पहुंचे, किसी भी निर्दोष को चोट पहुंचे, या किसी को परेशान किया जाए, किसी को परेशान किया जाए जी। सो हमारे ऑपरेशन में जो पत्थरबाजी होती है उसको, हालांकि हमारे साथ पुलिस भी होती है और CRPF भी होती है, जो अपना रोल बखूबी निभाते हैं इसको कंट्रोल करने में जी। लेकिन फिर भी अगर जो कभी ऐसे कोई आइसोलेटेड टुकड़ी फंसती है, तो हमारा जहन में एक ही चीज़ होती है कि ये जो आसपास के लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं, ये हमारे खुद के देशवासी हैं जी। तो इस एक चीज़ से हम जो है बहुत ही रिस्ट्रेंड एक्शन हमारा होता है, ये हमारे खुद के देशवासी हैं, हम इनके ऊपर लिथल फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। तो इस एक चीज़ से हमारा जो है एक्शंस गवर्न होते हैं। और कर्नल तुषार, एक बात बताइए, जैसे पत्थरबाजी की हम बात करते हैं, कॉर्डन तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश, एस्केलेट करने की कोशिश, हम जिसको फौज में कहते हैं कवरिंग फायर, वो देने की कोशिश, यानी पत्थरबाजी, पत्थरबाज टेररिस्ट को दे रहे हैं कवरिंग फायर कि आप भाग जाओ यहाँ से, जब आपके ऊपर बात आ जाती है, जब मजबूरी बन जाती है, आपके फौजियों को जो आपके टीम वाले मेंबर्स हैं उनने सारा के, मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूँ, जब उनके सर पर बात आ गई, उनके जानो माल को खतरा है, उस समय आप क्या करेंगे? देखिए मेजर गौरव, नॉर्मली हमारे साथ
पुलिस और सीआरपीएफ होती है जी, जो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम है और अच्छे से हैंडल करती है जी, लेकिन अगर जो कभी मजबूरी हो ही जाए और ऐसी सिचुएशन बन जाए जी, तो सीखे हुए जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है उसके हिसाब से बड़े ही कैलिब्रेटेड तरीके से फोर्स का एस्केलेशन करना पड़ता है जी, और वो अडॉप्ट किया जाता है उस सिचुएशन में। अच्छा, बट ये कैलिब्रेटेड तरीके से होता है और स्ट्रिक्ट सुपरविजन में होता है पार्टी कमांडर के। आप ये कह रहे हैं कि जब तक बिल्कुल जान को खतरा ना हो, जब तक जान पे खतरा ना हो, जब तक मजबूरी ना हो, हमारे हाथ बंधे ना हो जी, तब तक हम कोई एडवर्स स्टेप नहीं लेते हैं। लेकिन अगर जो सिचुएशन ऐसी आ गई कि किसी की जान के ऊपर खतरा बन रहा है, तो बड़े ही कैलिब्रेटेड तरीके से हम आप इसको फिर जी एस्केलेट करते हैं और इस मामले को फिर उस अलग तरीके से सुलझाया जाता है। एक कर्नल तुषार, मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात देखी। बताइए। मैंने ये इंटरेस्टिंग बात देखी कि आपके ऑफिस में एक बड़ी सी फोटो लगी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये मतलब ये ऐसा मैंने कम देखा है कि लोग जनरली अपने परिवार की, अपने खुद की या किसी और की ऐसे फोटो लगाते हैं। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो अपने व्हाट्सएप पे भी लगा रखी है और आपने दफ्तर पे भी लगा रखी है, क्या इसका राज क्या है ये बताइए। मेजर गौरव, ये काफ़ी पर्सनल सवाल आपने मेरे से पूछ लिया है जी। एक्चुअल में हर एक फौजी जो होता है जी, उसका एक आइडल होता है, आइडल मिलिट्री लीडर जी, जिसको जिसकी तरह वो बनने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो अगर जो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखो, मैंने काफ़ी सारे मिलिट्री लीडर्स का पढ़ा है, बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस में एक बड़ी अहम खासूसियत थी, वो जो सारे मिलिट्री लीडर में एक गुण होने चाहिए, लीडरशिप, अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करने की क्षमता, दृढ़ निश्चय, दूरदर्शिता, जज्बा, हिम्मत, ये सब उनके अंदर भरपूर था और बड़े ही यूनिक लीडर हैं। आप सोचो उस ज़माने में बंगाल से, जब उनके घर के ऊपर कड़ा पहरा लगा हुआ था, उस समय बंगाल से निकल करके अफ़गानिस्तान जाना, अफ़गानिस्तान से एस्केप करके इटली, इटली से जर्मनी, जर्मनी में एक फ़ौज खड़ी करना और उसके बाद फिर जर्मनी में सबमरीन से बैठ करके जापान तक आना, जापान में दोबारा आज़ाद हिंद फ़ौज खड़ी करना जी, और उस आज़ाद हिंद फ़ौज को ले करके समुद्र के रास्ते अंग्रेज़ी हुकूमत के ऊपर आक्रमण करना, ये बहुत ही आले दर्जे के एक मिलिट्री लीडर की एक निशानी है। और एक नेवर से डाई एटीट्यूड भी है। बिल्कुल। कभी हार ना मानना, कभी ना हार ना मानना, सब खत्म हो गया लेकिन जज्बा, जज्बा बंजर जमीन से दोबारा उगा दिया। बिल्कुल। इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा। तो ये है राज बिल्कुल नेताजी का, जो नेताजी की आपने फोटो व्हाट्सएप पे और अपने हर जगह लगा रखी है। बिल्कुल। तो बहुत बड़े एडमायरर भी हैं आप। काफी बड़ा एडमायर, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ जी। दोस्तों, बात चल रही है हमारी इस वक्त कमान अधिकारी 19 राष्ट्र राइफल्स कर्नल तुषार के साथ। इन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपनी यूनिट के बारे में, पहले जो इनके पहले कमान अधिकारी थे और जो और इनके सीनियर्स थे जिन्होंने इस यूनिट को कमांड करा, उनके बारे में बताया और कई सारी चीज़ें उन्होंने बुरहानवानी के बारे में डिस्कशन, पत्थरबाजी के बारे में, इनके फेवरेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिस्कशन, सबके बारे में करने के बाद हमें यह पता लगा है कि जो यूनिट है वो ड्रिल से चलती है, वो प्रोफेशनलिज्म से चलती है, वो मेहनत से चलती है, लेकिन जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है किसी यूनिट का, वो है जोश, वो है जज्बा। और टीम पेट्रियट 19 राष्ट्र राइफल के इस जज्बे को सलाम करती है, इस जज्बे को सलूट करती है। दोस्तों, अभी आपने देखा ये फायरिंग चल रही थी यहाँ पे AK-47 से लगातार, काफ़ी इन्होंने कितने 100 राउंड फायर कर दिए, लेकिन फायरिंग करते करते मेरी नज़र पड़ी कि ये फायरिंग क्लोज इन्होंने करी, यहाँ पे आए, हथियार चेक करे, एमुनेशन चेक करे, उसके बाद देखा यहाँ पे मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ है। तो ये जो मिठाई का डब्बा है फायरिंग रेंज पे, मिठाई का डब्बा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं इनसे पूछता हूँ ये मिठाई के डब्बे का क्या चक्कर है, ये मिठाई का डब्बा क्यों रखा है यहाँ पे, आप बताइए। सर, ये हमारा कॉम्पिटिशन चलता रहता है, बस ऐसे एक दूसरे का मनोबल बढ़ता रहता है, तो इसलिए मिठाई का डब्बा। हाँ, इसीलिए। तो आपकी ये कौन सी कंपनी है? आपकी फतेह कंपनी है। ये आपकी फतेह कंपनी है। दूसरी कंपनी कौन सी है? हेडक्वार्टर। तो कौन जीता इसमें? इसमें फतेह जीता। आप लोग जीत गए? हाँ सर। तो मुबारक हो पहली बात तो। तो आप लड्डू खाओगे? हाँ सर। ये लड्डू खिलाएंगे? हाँ सर। चलो, वेरी गुड।
अच्छा आप बताइए, आज आपने भी फायर करा? हाँ जी साहब। तो पहले से अब आपको फायर अपना ज़्यादा अच्छा लगा? हाँ जी साहब, बढ़िया। जब वैसे हम कंपटीशन करते हैं तो हमारी जीतने की भावना होती है। अच्छा। तो हम अपने फायरिंग को अप करते हैं। अच्छा। इससे हमारे को अपनी फायरिंग के बारे में पता चलता है। आप कौन सी यूनिट के हैं? 18 सिकलाई साहब। 18 सिकलाई। हाँ साहब। तो वहाँ पे आप इंसास थी आपके पास? हाँ साहब। अब आपके हाथ में एके दे दी? हाँ साहब। क्या फर्क लगा? बढ़िया साहब, एके का फायरिंग बढ़िया है, और ऐसे है कि जिससे फायरिंग करते हैं एके से, तो इंसास की एक्यूरेसी ऐसी, और इससे अगर हम फायर करते रहे तो अच्छी इंप्रूवमेंट मिलती है इससे भी। अच्छा, ग्रुप ठीक बना अभी? हाँ जी, बहुत बढ़िया बना सर। ग्रुप बना? हाँ जी। चलो बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, आपका नाम? साहब सिपाही जो बंसुड़े। अच्छा, और आप, आपकी कौन सी यूनिट है? सर 216 मीडियम रेजिमेंट। 216 मीडियम रेजिमेंट। सर आपने आज फायर करा? सर आपके पास भी एके नहीं थी? नहीं थी। आप जब यूनिट में थे तो आपके पास कौन सा मीडियम रेजिमेंट, आपके पास क्या बोफोर्स है? बोफोर्स है साहब। तो बोफोर्स के बाद आप डायरेक्टली AK-47 पे आ गए साहब। कौन सा ज़्यादा बढ़िया लगा? बोफोर्स ही अच्छा लगा, मैं जानता हूँ आपसे, फिर भी पूछना चाहता हूँ, एके कैसी लगी? एके सब पर्सनल वेपन हैंडलिंग करने में अच्छा लगता है। अच्छा। और कैरी भी करने में अच्छा लगता है। अच्छा। जो बोफोर्स है वो पूरा लॉन्ग रूट के लिए फायर शूटिंग करके ये करना पड़ता है। अच्छा, तो एक एक ठीक है। ठीक है सर, आज का बढ़िया लगा, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। आप लोग कॉम्पिटिशन जीत गए हैं। थैंक यू। अब आते हैं हेडक्वार्टर कंपनी के पास। हाँ जी, हेडक्वार्टर कंपनी कैसा रहा आज? ठीक है सर। ठीक रहा? हाँ जी। आप मिठाई खिला रहे हो उनको? हाँ जी सर। फतेह कंपनी को? हाँ जी। अगली बार हम खाएंगे सर उनसे। आप खाओगे पक्का? हाँ जी, पक्का। हाँ हाँ जी। थोड़ा बहुत नंबर से चूक गए थोड़े, बस 2-4 पॉइंट की थी। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा वो। हाँ जी। ओ, वेरी गुड वेरी गुड। और आप, आपका नाम क्या है? सिपाही गर्जन साहब। और आप कौन सी यूनिट से हो? 10 सिखलाई। 10 सिखलाई से हो? हाँ जी। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप 10 सिखलाई से हो। मेरे बहुत करीबी मित्र 10 सिखलाई के थे, उन्होंने 10 सिखलाई कमांड करी, कर्नल अमरदीप सिंह बाली। हाँ साहब। आपके सी ओ साहब थे? हाँ साहब। वो मेरे कोर्समेट हैं, मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं। हाँ साहब। तो वो जब भी मैंने जब उनको बोला कि मैं 19 आर आर और आ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला था कि अगर 10 सिखलाई का कोई मिलेगा तो मेरी तरफ से उसको सत श्रीकाल बोलना। तो आपके सी ओ साहब की तरफ से आपको सत श्रीकाल। और आप थोड़ा सा रह गए आज? हाँ जी। पीछे? हाँ जी साहब। अगली बार वो मिठाई खिला रहे हैं? हाँ जी साहब। पक्की? पक्की साहब। चलो ठीक है, वेल डन यार। और आपका नाम? स्पाइरिंग साहब। अच्छा, और आप कौन सी यूनिट के हैं? 10 सिखलाई साहब। आप भी 10 के हैं? जी सर। अच्छा 10, अच्छा मैं आज ही 10 ही 10 पकड़ के आ रहे हैं। जी सर। चलो ठीक है जी। और क्या सर, आपकी ग्रुपिंग कैसी रही? ग्रुपिंग साहब अच्छी थी साहब। अच्छी थी। हाँ जी साहब। कहाँ छूट गए थोड़ा सा, 2-4 नंबर से छूट गए पीछे? हाँ जी साहब। तो आपने स्कोप वोप लगा रखा है इस पे? हाँ जी साहब। स्कोप इस्तेमाल करा था आज? नहीं साहब, स्कोप नहीं इस्तेमाल किया, वरना तो हेडक्वार्टर नहीं जीतना था। हाँ जी साहब। फिर इसमें तो मिस नहीं होता। जी साहब। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जी सर। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, खूब मेहनत करिए। जी सर। अगली बार वो लोग मिठाई खिलाएंगे। जी सर। ठीक है ना, फ्रेंडली कॉम्पिटिशन्स बिटवीन टू कंपनीज, ये फतेह कंपनी है, ये हेडक्वार्टर कंपनी है, और इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हुई, फतेह कंपनी जीत गई। और लेकिन हेडक्वार्टर कंपनी भी कह रही है 2-4 नंबर से पीछे हैं, अगली बार फतेह कंपनी इनको मिठाई खिलाएगी। आइए, सारे पेट्रियट के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, आइए और हमारे साथ मिठाई खाइए। लड्डू आ रखे हैं कैंटीन से, अब ये इन्होंने खरीदे हैं, इनको खिलाएंगे। आइए हमारे साथ शामिल होइए, लड्डू खाते हैं। आइए जी, खिलाइए इनको लड्डू। आइए, दोस्तों इस वक्त हम साउथ कश्मीर में हैं, आप देख रहे हैं पहाड़ियाँ, ये वादियाँ कश्मीर वैली की, और ये बड़ा ख़तरनाक इलाका है आतंकवाद के, जहाँ तक हम बात करें आतंकवाद की, यहाँ पे बहुत एनकाउंटर्स होते रहते हैं, राष्ट्रीय राइफल्स करती रहती है एनकाउंटर्स, यहाँ पे गोलीबारी आम है, मतलब कोई शायद ही ऐसा दिन हो जब RR का पेट्रोल ना निकले। ये पेट्रोल अभी जो आपके सामने निकल रहा है, ये लोग राष्ट्रीय राइफल्स का एक एरिया डोमिनेशन पेट्रोल है, चाहे बर्फ़ हो चाहे बारिश हो, ये पेट्रोल्स निकलते रहते हैं, और RR का काम कभी नहीं रुकता।